ज्यादा नहीं, कुछ हजार साल पुरानी बात है ये। भारतवर्ष हर क्षेत्र में फल फूल रहा था। धर्म, अर्थव्यवस्था, समृद्धि और पारोष में इसका कोई सानी नहीं था। जहां दूसरे महाद्वीपों में देश पाषाण युग से ही बाहर निकलने में जूझ रहे थे, तब भारत विज्ञान, आध्यात्म, योग और साहित्य के क्षेत्र में शोध कर रहा था, जो इसके प्रबल स्तंभ थे। अब अगर किसी में इतने सारे गुण हो तो दुनिया की नजर में आना अनिवार्य है। विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर इस महान भूभाग पर पड़ी और हमारे अपनों की ही मिली भगत से, जिसने जब चाहा लूटा, खसोटा, मंदिर एवं कई महान शैक्षणिक संस्थानों का विध्वंस किया, वो भी एक नहीं सैकड़ों बार। हमें सोने की चिड़िया कहते थे और एक एक कर इस चिड़िया के सारे पंख नोच दिए गए ताकि यह फिर कभी उड़ान न पड़ सके। साथ ही छोड़ गए कुछ बीमारियां, खुद को कमतर समझने की बीमारी, अपने ही जड़ मिट्टी से दूर होने की बीमारी। जब जड़ मिट्टी से अलग होगी तो पेड़ सूखेगा, फल नहीं देगा। विदेशी सभ्यता संस्कृति को ही सच और अपने विराट इतिहास, संस्कृति, धर्म एवं मूल्यों को भुलाने और जटलाने की बीमारी। हमारे इस विदेश प्रेम का हर जाना आज हमारा युवा वर्ग कर रहा है। आध्यात्म से दूर ये वर्ग बेराह है, मूल्य रहित जीवन जी रहा है। नशे और डिप्रेशन की गिरफ्त में युवा ना तो अपने लिए कुछ कर पा रहा है और ना ही अपने देश और समाज के लिए। ऐसा नहीं है इन बीमारियों से बचाने की कोशिश नहीं की गई। कई संतों, महात्माओं ने अपना जीवन इस उद्देश्य को समर्पित किया। पर जब समस्या इतनी बड़ी हो तो इसका समाधान सिर्फ भगवान से लेना होगा। अब यह धर्म ध्वज हम सभी युवाओं के हाथ में है। हमें अपने धर्म, आध्यात्म और धार्मिक मूल्यों से जुड़ना होगा। भटके हुए बेराह साथियों को भी सही राह दिखाना होगा। हमें अपने धर्म की रक्षा अपने शास्त्रों को पढ़कर, उन्हें अपने जीवन में उतार कर उनका प्रचार प्रसार करना होगा। आइए हम सब मिलकर लाएं अपने और सबके अंदर वो क्रांति जो हमें भगवान के समीप लाए और गौरवशाली बनाए, ताकि हम दुनिया को ये बता सके कि हम सोने की चिड़िया नहीं, पारस का वो पत्थर हैं जिसे छूने सोना करते। आइए साथ मिलकर मनाते हैं